हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो अभी मॉर्निंग टाइम हुआ है और अभी नाश्ता भी सभी का हो गया है। दिन है आज सोमवार का। मम्मी की हो गई है मायके चलने की तैयारी। जब भी जाए मम्मी सुबह सुबह जाए। आज तो थोड़ा सा लेट भी हो गया, वरना सर्दियों में हो तो मम्मी 8 बजे वाले टेम्पो में चले जावे। तो पहले टेम्पो चलते थे यहाँ पे, अभी ई रिक्शा चल रही है, तो बैटरी वाली रिक्शा चल रही है। वो तो सभी जगह चल रही है। देखो बस बस तो बंद होगी चलनी। और अर्णिका तो क्या कह रही है, आज सवेरे सवेरे कहने लगा तैयार हो लो मम्मी, आप भी माँ जी तैयार हो ली। तो आज हमें जाना है अपनी मायके, तो वहां सी कुछ है तो वन का भी दिखाएंगे। बैग हमारा तैयार हो चुका है। हाँ, और जी वहाँ पे है बर्थडे, और जी मतलब जो राधा दीदी की शादी हुई थी ना, वहाँ पे मेहमान भी आने वाले है जो हरियाली तीज लेंगे। तो अभी खास प्रोग्राम तो है बर्थडे का। वो छोटा सा है ना अनिल भैया का लड़का, 1 साल का हो गया, तो पहला जन्मदिन है उसका। बड़ा कर रहे सेलिब्रेशन अच्छा, तो सभी को बुला रखे, सभी रिलेटिव जा रहे हैं, तो मम्मी अभी जा रही है, तो मम्मी पापा जा रहे हैं, क्योंकि भाई अप्रैल में गए थे अभी मम्मी पापा। हाँ, तो घूमने के लिए जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए। माँ जी के साथ आप भी जाओ क्या? आप भी जाओ है चले गए है? या तो कह रही है सुबह सुबह खाने लगी, मुझे तो उसके यार उसके जन्मदिन में जाना है। हाँ। उसके जन्मदिन में जाएगी, जन्मदिन में जाएगी। इसकी बुआ ऐसा नौत कर गई थी, कह रही हम तो छत पे काट लेंगे केक। भोले वाला काटा था ना वो, जब इसे ये भी याद है। कह रही आप चले जाओ, हम तो छत पे काट लेंगे केक। अच्छा, किसका हैप्पी बर्थडे? खुशी इसे डॉक्टर को लेके जानी पड़ेगी, फिर दिखाओ लो ना दोबारा, देख लो मेरी दवाई। इसकी शिकल देखते ही ठीक हो जाएगी। हाँ, शिकल देखते सारे एकदम ठीक हो जाएगा, अगले दिन आराम लग जाए। इसकी बुआ भी तो वहाँ ही ठीक होती है, और गुड्डू भी वही ठीक हुई, खानदानी डॉक्टर है वो। गुड्डू को भी वही दिखाई, और उसे बोबी को भी वही सी आराम लग रहा था। हाँ, दवाई बढ़िया देवे, और बच्चों का कभी इंजेक्शन नहीं लगाते देखो, वरना बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ इंजेक्शन लगावे। मारे बुब्बो क्या वही लगे, बस वो लगा कर जो एक बार ले गई थी मेरा भी, सब कहते दिखा ले दिखा ले, जब तो सर कहीं कहीं इंजेक्शन लगाता है वो, पर आराम नहीं मिलता, मिला था मेरे भाई को। हाँ, बस किसी को लग जा, किसी को नहीं आराम मिला। ये वाला डॉक्टर बढ़िया देसी नुस्खे बता दे, कुछ उल्टी दस्त के ऐसे चीजें हो। हनी का तो लड़ लग रही, हनी रोगी फिर। तो गाइस अभी मम्मी आज चल दिए हैं, रोगी नहीं। गाइस अभी मम्मी पापा जा चुके हैं और टाइम हो चुका है 9 का, और अभी अर्णिका के पापा के जाने का टाइम है। क्या हुआ आपका? और अभी बेडशीट हमने रात उतार दी थी, धो दी थी, और अभी दूसरी वाली बेडशीट डालेंगे इस पे। तो अर्णिका थी अपने पापा के साथ में, इसके पापा खाना खा रहे थे ना, तो इसी वजह से ये अपने पापा के साथ लगी रही, वरना यार रोती बहुत ज्यादा जब पापा घर गए। फिर कह रही माँ जी कहाँ सी, मैंने कहा माँ जी तो यही है वॉशरूम में। और जी बड़ी होगी, इधर आओ बाहर को आइयो, बाहर को तो आओ। बहुत जिद कर रहा है जाने की, मैंने सुबह ही कहा मेरे साथ जाएगी मम्मा, कहने के हाँ आपके साथ जाएंगे, बब्बर के साथ जाने का, फिर जब चले आना कोई, जब ज्यादा जिद करा जाने की। देखो चोट कैसी लगवा रखी है आँख पे, दिखाइयो, देखो कह रहे देखो चोट, गुड्डू ने मारी थी ना, गुड्डू ने इसका ना खून मारा पता नहीं क्या, और ज्यादा चोट लग रही है, तो शरारत कर ली। और अभी चलिए है ड्यूटी, चलो बाय इनका बैठ, देख आज भी सीट लेके आना, खत्म हो गया है ठीक है। माँ जी तो अभी उनके जाए चाची अर के, हम वहाँ चले गए बाइक पे, ठीक है बाइक पे जाएंगे ना, और उसके बर्थडे में जाएंगे कल, और उसके बर्थडे में जाएंगे ना, यही मना लेंगे हम तो छत पे, ठीक है उसे यहीं बुला लेंगे, ठीक है यहीं मत बुला लेंगे। और फोन कर दिया अपनी बुआ को, ठीक है कौन से वाली करेगी, कौन से वाली बुआ करेगी फोन, बड़ारी को, बड़ारी को बड़ा बताओ क्या है नाम, क्या नाम है बड़ारी बुआ का, बड़ारी का नाम क्या है बता दे, सोच कर बता दे। और छोटे वाली का, छोटे वाली का वो वाली जो जो ने पापा के ना खून काटते थे, कौन से वाली वा ए...
बॉबी बॉय ने मेरे पापा के ना फोन काट रखे उसे इसके पापा ने बता दिया होगा ना फोन क्या बॉबी बॉय ने मेरे पापा के ना फोन काट रखे देखो देख देख चलो बाय कर दो बाय मैं कर रहा हूँ स्कूल ले जाओ ठीक है चलो स्कूल ले जाओ मम्मी आज तो कोई से स्कूल छोड़ने में भी नहीं है ये भी जा रहे क्यों फिर कोई है नहीं यहाँ पे जो लेके आवे से रोने लगे ना नहीं चलो आ जाओ आप आओ वो देखियो आ जाओ आ जा कथा देखा कथा चलो 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 बाय बाय चलो कान्हा जी इधर बैठे हुए आज पहनाई है इन्हें गोल्डन कलर वाली ड्रेस और जी अभी लाइट तो आई नहीं कूलर चलता रहा यहाँ से हवा लगती रहे इनके तो गाइस अभी हमारा काम हो गया है सारा का सारा घर का और मम्मी आज जो है जा चुकी थी अपने मायके और भाई सुबह ही कपड़े धोए कल शाम कपड़े धोए थे और जी सुबह ही फैला के आ गए थे तो ये सूख भी चुके हैं अभी इन्हें लेके आ गए है नीचे अभी इन्हें कर लेते हैं फोल्ड और फोल्ड करने के बाद बस काम हमारा सारा हो जाएगा मेरा है फास्ट अनिका के पापा गए हैं ड्यूटी और चाचा जी है बस चाचा जी के लिए मैंने खाना बना दिया है और अभी चाचा जी खेत में गए हैं जब खेत से आइए तो खाना खा लेंगे आके तो अभी भाई कपड़ों को बेटा इधर आओ ना मम्मा की बात मान लग रहा है देखो बेटा बेटा बाद में निकाल दी इसे बाद में निकाल दी टूट जाएगा वो ट्राइपॉड टूट जाएगा बेटा वो मम्मी की बात मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी थी मम्मी चल गई आपको यहाँ पे आके बैठ मेरे पास ठीक है उन्हें कॉल जल्दी दे बेटा देख सब बिगो जरा राम राम बोल अरे वाह आइए मम्मी की बात नहीं मानते बिल्कुल भी मम्मी से आप प्यार नहीं करते ना तू बेटा नीचे ना जाओ कोई नहीं है नीचे चाचा खेत से गए अभी और नीचे ना बहुत बड़ा हुआ है डायनासोर किरोलिया भी है बहुत बड़ा बहुत बड़ा सांप भी है नीचे नहीं जाया करता अकेले जब चाचा आ जाएंगे ना पापा जी आ जाएंगे जब जाएंगे है ना ठीक है हाँ चाचा जी तो खेत में जा रहे ना घास काट कर घास काट कर लाएंगे चेरी लेने के लिए जा रहे हैं चेरी लेने जा रहे हैं गेट खुला देखो आवाज सुन गई से गेट खुलने की आ जा पापा आवाज लगा पहले आवाज लगा के देख आवाज तो लगा के देख आवाज तो लगा के देख तो गाइस अभी हम जा रहे हैं छत पे और टाइम हो चुका है 3 का और जी लाइट तो आज आ नहीं रही बिल्कुल भी और अभी हमें जो है अपना ये बिस्तर हटाना है तो सुबह टाइम नहीं लगे अभी मच्छरदानी निकाल लेंगे और जी यहाँ पे सुबह झाड़ू उधर को तो लगा गई थी इधर को ना खाट वाट थी तो यहाँ पे रह गया था बस ये फोल्डिंग खड़ी करके झाड़ू लगाएंगे और जी बस फिर साफ सफाई हो जाएगी यहाँ पे लड्डू चलो बिस्तर इकट्ठा करेंगे वो सुबह जल्दी जल्दी में गई ना तो भाई फिर मम्मी को जाना था तो इकट्ठा नहीं हुआ तो बस अभी चल कर रहे तो गाइस इधर साफ सफाई हो गई है ये देखिए और फोल्डिंग भी हमने खड़ी कर दी है कपड़ों की तय हो गई है कचरा था जो उठा लिया है तसले में और जी अभी बस यहाँ पे भी साफ सफाई क्या कर रहे बेटा इसका क्या करो और जी मुँह वाला पोछा ना खराब हो रहा हमारा तो ये तो सही है वैसे लेकिन जो वो है ना पोछा लगाने का डंडा सा वो खराब हो रहा और धूप देखो कितनी तेज हो रही है अभी और बादल तो कुछ पूछो ही मत बारिश कहीं नहीं है बिल्कुल भी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है बहुत
भी मम्मी पापा आएंगे दो चार दिन में, तो भाई तब तक हम लेटते हैं नीचे, क्योंकि भाई अपना स्टेशन इतना सही है। और बस ये है कि अपना जो बिस्तर बिस्तर आए ले जाएंगे यहाँ से, और ये होल्डिंग यहाँ पे इसलिए खड़ी कर दी क्योंकि भाई बिछी रहेगी तो बिल्ली बिल्ली कुछ भी बैठ जाए। और चारपाई है, अब यहीं पे बैठेंगे मैं और अर्ली का, क्योंकि हवा चल रही है बहुत अच्छी एकदम से, और लाइट तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। आज तो लाइट ने ऐसा धोखा दे दिया, बिल्कुल भी लाइट मतलब कि एक मिनट को भी नहीं आई। इन्वर्टर तो जल्दी डाउन हो जाए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही देखो। तो अभी बस मेरा है फास्ट, और जी बस चाय वाय पी और थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खाए।